एवरीवन नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ही एक ग्लैम पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि डे हो या नाइट हो आप हर वक्त इस मेकअप लुक को क्रिएट कर पाओगे। बिगनर्स हो तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सच में मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें, बहुत कुछ चीज़ें इस तरीके की हैं कि आपको बिगनर्स हो और आप बहुत ही अच्छे से इस मेकअप लुक को क्रिएट कर पाओगे, और जब भी करोगे ना तो आपको खुद को ऐसा फील होगा कि आप मेकअप करने में चैम्पियन हो। सच में ये मेकअप लुक बहुत ईजी वे से है और आप देख पा रहे होगे कितना ग्लैमरस वाला मेकअप है। ये मेकअप मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट किया है। कि कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या है, कैसे मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, वो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो आगे देखना होगा, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और हाँ, प्लीज़ नीचे वो ग्रे कलर का थंब का बटन दिख रहा है ना आपको, प्लीज़ उसको ग्रे को ना ब्लू कर दीजिए इस वीडियो के लिए, अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो। चलो पहले देख लेते हैं मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, तो चलो वीडियो देखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सीरम से। तो मेरे पास है ये NYB का सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा सीरम है। इसका फुल रिव्यू आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। ये ब्लैक हेड्स, ब्लैक स्पॉट्स और एक्ने वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो ये सीरम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मैं फुल रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसका। तो पहले मैं इसको, यानी कि सीरम को, अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद हम मेकअप करना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगेगा काफ़ी, और हमारे फेस को एक अच्छी सी प्रोटेक्शन भी हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से पहले मैंने अच्छे से इसको लगा के छोड़ दिया, और 30 सेकेंड के लिए आपको ये छोड़ देना है इसी तरीके से। उसके बाद लिया है मैंने CVB का प्राइमर, जिसे मैं अपने फेस पर, यानी कि जो मैं टीज़ों नहीं रहा है उस पर पहले अच्छे से अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद पूरे फेस पर और आईज़ पर भी मैं इसको अप्लाई करूँगी, जिससे कि जो आई मेकअप है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए हमारा। इस तरीके से अच्छे से पूरे फेस पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद लिया है मैंने ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, और ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सबके परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके से पूरे फेस पर मैंने इसको डॉट डॉट करके लगा लिया, जो कि इक्वली पूरे फेस पर अप्लाई हो जाएगा, और इस वेट किए हुए ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं NYB का एक कंसीलर, और जहाँ जहाँ मेरे फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट कराना है, दिखाना है, और मुझे अपनी आईलिड पर, अपने आईब्रोज का जो एरिया है उसे शार्प दिखाना है, अपनी आईलिड पर इसको अप्लाई करें, जो कि एक अच्छा सा बेस देगा। और मैं जहाँ जहाँ, यानी कि मेरे चिक्स पर, जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। और बहुत ही फ़नी मेरा फेस लग रहा है, मुझे खुद को भी बहुत हंसी आ रही थी देखकर। तो मैं इसको अच्छे से ये वेट किए हुए ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको अच्छे से डैप डैप करके इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से पूरे कंसीलर को, और जहाँ जहाँ कंसीलर लगाए सिर्फ वहीं पर ही डैप करना है, पूरे फेस पर इसको स्प्रेड नहीं करना है, सिर्फ वहीं वहीं इसको डैप डैप करना है जहाँ आपने कंसीलर लगाया हुआ है। इस तरीके से अच्छे से मैं इसको डब डब करके पूरे, यानी कि जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया उसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। और फिर उसके बाद बारी आएगी हमारे लूज पाउडर की। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ, ये मेरे पास है लैक्मे का लूज पाउडर, और मैं इसको अपने अंडर आई एरिया, क्योंकि हम अपने जो आई मेकअप करेंगे तो जो भी डस्ट आउट वगैरह कुछ भी, यानी कि ऐसा फॉल आउट होगा तो वो इस पर आके गिरेगा, और हम इसको बाद में डस्ट आउट कर देंगे। और यहाँ पर हमने कंसीलर भी लगाया तो उसे भी सेट होने का टाइम मिल जाएगा। और इसी लूज पाउडर को मैं अपनी आईलिड पर भी लगा रही हूँ, जो कि आईलिड को अच्छे से सेट होने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया है अपनी आईलिड को, उसके बाद अब मेकअप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज से स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज को ब्राउन और ब्लैक कलर के आई शेडो से एंगुलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से फिल कर लूँगी, जो गैप्स है मेरी आईब्रोज के हेयर में उन्हें अच्छे से ही फ्लाउट कर लेगा, और ये स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से स्मच कर दूँगी। इस तरीके से मेरी आईब्रोज फिल हो गई हैं। उसके बाद लिया है मैंने ये मेरे पास हुडा का आई शेडो पैलेट, इसमें से लिया मैंने डार्क ब्राउन शेड, जिसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे एज अ ट्रांजेक्शन कलर इसको लगा रही हूँ इस तरीके से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद लिया मैंने NYB का ये काजल, और इसे एज अ लाइनर मैं अपनी लिड पर लगा लूँगी, और ये एक स्मोकी, यानी कि ज़्यादा आपको ना स्ट्रीक बिल्कुल ही ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा सा लाइनर लगा लीजिए। उसके बाद ही मैंने लिया है स्मॉल फ्लफी ब्रश, इसकी हेल्प से इसको अच्छे से स्मच कर दूंगी लाइन काजल को।
उसके बाद इस पैलेट में से मैं ये ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो, और ये डोम शेप का मेरे पास ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं जहाँ मैंने काजल लगाया था ना वहाँ पर इसको अच्छे से जो ब्लैक शेडो है वहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जब भी स्मोकी आइज क्रिएट कर रहे हो तो ब्लेंडिंग पे जरूर ध्यान रखो, जितना हो सके ब्लेंडिंग 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 बहुत ही जरूरी है स्मोकी आइज में। उसके बाद ही मैंने फ्लफी ब्रश लिया है और जो ब्राउन शेडो है और ब्लैक शेडो इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी दोनों को एक साथ, जो कि अनइवन सा ना लगे कि ब्लैक अलग है और ब्राउन अलग है, तो अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने वो जो काजल था मेरा NYB का उसको लाइनर की तरह ड्रॉ किया है, और उसके बाद ये लिक्विड आईलाइनर है NYB का ही, इसको जो मैंने लाइनर काजल से जो लाइनर ड्रॉ किया था उसके नीचे लगाऊंगी इस तरीके से, बहुत ही पतला पतला सा लाइनर लगाऊंगी और उस जो मैंने काजल से लाइनर लगाया था उसके नीचे, और उसके बाद एक स्मची ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से काजल को स्मच कर दूंगी, और बहुत ही अच्छे से एक विंग हमारे जो इनर कॉर्नर है सॉरी आउटर वी है वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक विंग बन जाएगा, और उसके बाद एक यानी कि जो डोम शेप का जो ब्रश था उससे भी अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने काजल लगाया है, उसके बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं स्मॉल फ्लफी ब्रश और यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लेकर इस पर इसको अच्छे से स्मच कर लेंगे, जो काजल लगाया है हमने उसको अच्छे से स्मच करने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने 10 रुपीज़ के ग्लिटर्स, आपको लोकल मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएंगे, चाहो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, वैसे भी स्मोकी आइज काफ़ी अच्छी लगती हैं बट लेकिन हल्का सा ग्लिटर लगा लेंगे तो पार्टी में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ग्लिटर लगा रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हो तो आप लिक्विड ग्लिटर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट लेकिन इस तरीके से भी आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हो, सेट करने के बाद इसको अच्छे से इस तरीके से, और ये यहाँ पर कोई ग्लू की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है कि बस मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर दी, जो काजल लगाया था ना उसकी हेल्प से स्टिकीपन से ये अच्छे से स्टिक हो जाते हैं लूज़ यानी कि लूज़ ग्लिटर्स। और उसके बाद यहाँ पर लगा लिया मैंने फेक आई लैशेस और फाइनल है हमारा आई मेकअप। उसके बाद जो हमने लूज पाउडर लगाया था उसको अच्छे से डस्ट आउट कर दूंगी, और ये मेरे पास NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर है, इससे अच्छे से पूरे फेस को सेट कर लूँगी, जो भी पूरा बेस लगाया था ना मैं उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास है सफर का फेस पैलेट, और इसमें से मैं यहाँ पर एंगुलर ब्रश है इसकी हेल्प से अपने फेस को हल्का सा कॉन्टोर करूँगी, और बिगनर्स हो तो इस तरीके के जब भी कॉन्टोर करो तो आप सिर्फ पाउडर से ही कॉन्टोर करो, कॉन्टोर पाउडर आते हैं काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉन्टोर पाउडर लो, आप कोई स्टिक वगैरह ना यूज़ करो, इतनी जल्दी से आप नहीं सीख पाओगे, तो इससे अच्छा पाउडर की हेल्प से ही आप अपने फेस को कॉन्टोर करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसी पैलेट में से मैं ले रही हूँ ब्लश और हल्का सा ब्लश अपने चिक्स पर लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैंने ये स्मॉल फ्लफी ब्रश ही लिया है और इसकी हेल्प से अपने पूरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी, जैसे अपना नोज एरिया, अपना टेम्पल एरिया, अपनी बाउ एरिया, अपने चिक एरिया, यानी सबको अच्छे से जहाँ जहाँ अपने फेस को आपको हाईलाइट करना है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ अपने फेस को वहाँ वहाँ उसको हाईलाइट कर लेना है अपने फेस को। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने हुडा की ये रेड लिक्विड लिपस्टिक और ये मैट लिपस्टिक है, और आप जानते ही हो यानी कि जब भी ब्लैक स्मोकी आइज क्रिएट करो और विद रेड लिपस्टिक के साथ कंप्लीट करना बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपका मेकअप का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा होगा। आप देख पा रहे होगे फुल मेकअप होके मेरा कंप्लीट है। तो कैसा लगा है आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल, अच्छा लगा है? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, ऐसे और भी मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो प्लीज़ जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, जब भी इस मेकअप लुक को क्रिएट करो ना तो मुझे इंस्टा पर टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ID भी यहीं के स्क्रीन पर आपको मेंशन हो रही होगी। और नीचे जो ग्रे कलर का बटन दिख रहा है ना थंबनेल का, उसको जल्दी से ब्लू कर दीजिए, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको उस पर भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए, और उसके बराबर में जो बेल आइकन बनी हुई आएगी ना उसे भी हिट कर देना, ग्रे कर देना, और जल्दी से जो कि मेरी आने वाली वीडियोज है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर रखे थे, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, थैंक यू।